देखो यहाँ पे तो लोकल ने क्या किया, पत्थर डाल दिए टूरिस्ट आगे ना जाए। अगर यहाँ पे गाड़ी फंसती भी है तो लंका लग जाएगी, गाड़ी बहुत ज्यादा स्किड करेगी। हम निकल नहीं सकते भाई यहाँ से। एक सौ सत्तर एम एम की ग्राउंड क्लियरेंस लेकर के आप चल रहे हो तो क्या उम्मीद रखते हो भाई? बट इन केस अगर आप इमरजेंसी आपको कॉल करनी पड़ जाए ना भाई, यहाँ से सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। सोच क्या हो, कनेक्शन कट आउट है आपका। मैं तो एक ही प्रे कर रहा हूँ कि भगवान बस ठीक ठीक निकाल दे, यहाँ से पत्थर वगैरह ना हिट कर जाए यार। कुंजुम पास के नजारे, मतलब लद्दाख से कम फीलिंग नहीं आ रही भाई मुझे इस टाइम पे। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस तो है मेरा, बट उसके बराबर की टक्कर दे रहा भाई इस टाइम यहाँ पे। कुंजुम पास, यहाँ पे भाई अपने स्टिकर वगैरह लगा सकते हो अगर आपके पास हो तो। और यहाँ पे डोनेशन बॉक्स प्लस यहाँ पे बुद्धा जी की मूर्ति। भाई बुद्धा जी की है ये हमें भी नहीं पता, बहुत प्यारी लग रही है भाई। जय हो बुद्धा जी। और ये कुछ ऐसा सीक्वेंस है यहाँ पे। इस जगह से लेते हैं अलविदा। कुंजुम पास अपना एक मोस्ट फेवरेट प्लेस है, नेक्स्ट टाइम आएंगे भाई यहाँ पे फिर से। ये प्लेस है ही कुछ ऐसा भाई, जादू ही नशा है इस प्लेस में। तब से हमें एक घंटा हो गया यहाँ पे रुके हुए ना भाई। और ये जो आगे जा रही है ना गाड़ियाँ, ये देखो आगे वाली भाई, ये ना लोकल को लेके आए हैं अपने साथ में, क्योंकि ये है आपकी HR नंबर गाड़ी। हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग आए कैसे, वहीं पे सोए भाई तब जाकर के हमें आने दिया है, क्योंकि मुझे सरप्राइज है कि तुम लोग आए कैसे हो। ये पैच भाई बहुत प्यारा है यार, यूनिक। अगर कुछ चीज छूटती है ना तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे भाई, जब आएंगे नेक्स्ट टाइम फिर से। यहाँ पे बार बार आने का मन करता है ना अमन भी भाई, अब प्रो बन गया है यहाँ पे। लास्ट व्यू कुंजुम पास का, इसके बाद हम सीधा मिलेंगे बताल होकर के जाएंगे। देखते चंद्र ताल अगर मिलता है तो चंद्र ताल भी जाएंगे, बट वहाँ पे बंदी है भाई। और सामने भाई बर्फ के पहाड़, क्या जबरदस्त मजा आ रहा है। और भाई रोड तो मस्त है जिगजैग। जब तक आप आओगे एक साल या दो साल के अंदर अंदर तो ये रोड सारे भाई पक्के होने वाले हैं। मुझे सामने क्या दिखा है, जो पहाड़ी आप देख पा रहे हो ना भाई, देखो काट के कैसे रखा है इसको, जिगजैग भाई पूरी पहाड़ी की ना, तभी भाई पहाड़ नीचे आते हैं बरसातों में। अब रोड चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, तो भाई थोड़ा नुकसान भी तो झेलना पड़ेगा। अभी हम हैं भाई 14,000 फीट ऊपर, ऑक्सीजन लेवल कम है और पर मजा बहुत आ रहा है। एंजॉय लो भाई आकर के यहाँ पे। 4x4 है फिर आप आ सकते हो, अगर छोटी गाड़ी जैसे हमारी है वैसे आप नहीं आ सकते भाई। जैसे अभी मुश्किल से निकल रही है तो दिसंबर एंड में या दिसंबर मिड में भाई मुश्किल से निकलेगी, क्योंकि अभी मौसम बहुत खराब है भाई आगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ से जैसे हम मुड़ रहे थे, हम तो आगे निकल गए थे, भाई ने पीछे से हॉर्न दिया, भाई बोलते चंद्रताल का रास्ता तो ये रह गया, और तो दोनों गाड़ी हमने यहीं पे लगा दी है। और आगे जाकर के एक बार सीन देख लेते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पे तो लोकल ने क्या किया है, पत्थर डाल दिए ताकि जो है अपने टूरिस्ट आगे ना जाए। आगे तो भाई पूरी तरह से बंद ही कर दिया है, यहाँ से फिर भी गाड़ी निकल सकती है एक टाइम पे, यहाँ से नहीं निकल सकती, नहीं निकलेगी। ये उन्होंने पैच बनाया उसी तरीके से कि गाड़ी निकले ही ना, बट लोगों ने निकाला हुआ कुछ भाई यहाँ से, आप देख रहे हो। हाँ ले, हम ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं भाई, पर बाद में हमें रिग्रेट नहीं रहेगा, हम यहाँ से गाड़ी निकाली नहीं भाई। निकाल तो दी बंदे ने, तो फिर हम तो निकल जाएंगे इसी गाड़ी में भाई। पैच ना देखने में नहीं लग रहा बट है बहुत ज्यादा। ओ ले ले आओ भाई, आराम से अब आ जाओ निकल गया, जो भी होना था। ओ बेटे, ये होता है 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस का फायदा भाई, गाड़ी निकल गई। हमारी गाड़ी तो पीछे लग गई ना भाई। अमन साइड ले आ, साइड लगा दे गाड़ी भाई, ये तो लग जाएगी। नीचे शील्ड है हाँ। तो मेरे को दिक्कत नहीं। अच्छा हमने लगा रखी है हाँ, मैंने लोहे की शील्ड लगा रखी नीचे। क्या बात है भाई, बोल रहा हूँ आप रहने दो, इसी में आ जाओ सामान। बस कोई भाई साहब, ये पैच में सोच रहा था निकलेगा नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm होने का यही फायदा है। 215 ओ भाई साहब, 210 की mm ग्राउंड क्लियरेंस। अगर यहाँ पे गाड़ी फंसती भी है ना तो लंका लग जाएगी।
नहीं भाई ये बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा है भाई, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्किड करेगी। पत्थर डाल के देखे एक बार भाई, इन्होंने जानबूझ के नहीं किया वहाँ पे। टूट तो रहा है भाई, तोड़े फिर टूट तो रहा है। ओ भाई रहने दो यार, तोड़ ही देते हैं ना पूरा। यहाँ पे मुझे पता क्या लग रहा है कि गाड़ी एक बार फंसी ना कोई भी नहीं आएगा। टूट रहा है, टूट रहा है, करो जरा एक बार भाई देखो। वैसे कायदे से तो गलत है बट क्या है, हमने देखना तो है, फिर पता नहीं कब टाइम लगेगा। नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनेगी गेम, मेरी बात तो सुनो। बोलो बोलो। क्योंकि ये है हार्ड वाला, बीच में है सॉफ्ट। अगर एक टायर भी फंस गया ना कहीं पे, मत मत मत, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। फाइनल डिसीजन ये लिया है भाई, क्या लिया बताना जरा। तो फिर भाई नहीं, क्योंकि ये आगे वाला एक भी पैस मिल गया तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी हमें। एक या दो मिलेंगे क्योंकि नेचर का कोई भरोसा नहीं है। नेचर बोलती है यहीं पे रुक जाओ, आगे मत जाना, तो हम नहीं लेते रिस्क भाई। आधा तो हमने तोड़ दिया है, अब तोड़ने के बाद अगर आगे फिर ये मिल गया ना, गलती से हमें 5 बज गए वहाँ पे, गलती से भी हम निकल नहीं सकते भाई यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। फिर तो मुश्किल है, इससे अच्छा है गाड़ी क्रॉसिंग पे चलना है फिर। अब तो कुछ नहीं, चलते वापिस ही, अपना पैच जितना जल्दी हो सके कोकसर तक निकली जाते हैं। अब गाड़ी मुड़वाते हैं, यहाँ पे मुड़नी कैसे है, हम तो जस्ट आए थे कि वहां से हमारी गाड़ी ने क्रॉस कर लिया, बट इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि नेचर का इशारा है, आप यहीं पे रुक जाओ। बस पूरी कटाई कर दो, वो यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे इस साइड घुमाओ, बस 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 बस, आने दो पीछे थोड़ा सा, पीछे आने दो, पीछे जाने दो, जाने दो, नहीं नहीं यहाँ मत काटो, पूरी सीधी जाने दो, सीधी टायर थोड़ा सा घुमाओ, अरे नहीं पीछे आने दो आप, मैं बोलूंगा तब करना आपने, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, कटाई कर दो पूरी अब, बस 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 इतनी जाने दो, नहीं थोड़ा सा अपनी तरफ मुड़ो, थोड़ा सा रुको, एक मिनट ऐसे रुको, अभी पूरी कटाई करनी है आपने, ठीक है पूरी कटाई कर दो, कर दो कर दो कर दो कर दो, रुको एक मिनट, एक मिनट यही रुको, थोड़ा सा गाड़ी आगे करो, कटाई पूरी रखनी है आपने, बस मैं पत्थर डाल दो, बस 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 बस, पूरा पीछे क्या है, बस भाई मुड़ गई गाड़ी अपनी, खींचो उठाओ उठाओ उठाओ, बस परफेक्ट है, मोड़ दो पूरी मुड़ गई गाड़ी, बिल्कुल जाने दो जाने दो जाने दो, अब तो पूरा है, जाने दो, लो भाई हो गया काम सेट, चलो भाई हो गया। चंद्रताल तो पहुंच नहीं पाए, बस बीच में से भाई एक्सपीरियंस लेकर के आ गए। ये देखो भाई ये है ग्राउंड क्लियरेंस का फायदा, भाई गंदा सीन है भाई, ये होता है देखा, एकदम टाइगर की तरह चढ़ गई भाई, टाइगर मतलब टाइगर या टाइगर कुछ भी बोल लो, अपने स्टिकर हमने लगा दिए भाई, यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी, समझ रहे हो, स्टिकर स्टिकर लग गए हमने भाई। बस चैनल को आप भी लाइक करो और सब्सक्राइब करो, स्टिकर मैंने बना रखे थे भाई काफी टाइम पहले बट ये यूज ही नहीं हो रहे, अब जहाँ पे मैं देखता हूँ स्टिकर की जगह लगा देता हूँ भाई, प्रमोशन ही सही और क्या चाहिए, स्टिकर खत्म ही तो करने हैं। पीछे बह रही है, ये है चिनाब रिवर, चिनाब नदी है भाई, जो पीछे हमारे डीएल वाले भाई आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इसका पानी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा जिगजैग एरिया है, तो मेरी आवाज़ आपको ऐसी ही आएगी, तो अभी वहाँ पे नीचे जाने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई जिस बीआरओ भाई ने आर्मी वाले ने गुड फेथ से हमें परमिशन दी है कि जाओ यहाँ से, तो भाई हमें चुपचाप ही निकलना चाहिए यहाँ से ज़्यादा उड़दंग नहीं मचाना चाहिए, ठीक है। वो तो हमने जस्ट एक बार ट्राई कर लिया क्योंकि गाड़ी ऊँची थी, और जहाँ पर हमें लगा कि हमें नहीं निकलना चाहिए वहाँ से हम नहीं निकले भाई, वापिस आके छोटी गाड़ी के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस लेकर के आप चल रहे हो तो क्या उम्मीद रखते हो भाई, पर गाड़ी जितना कर रही है ना भाई वो
बंदे 12-12 लाख की गाड़ियां, 20-20 लाख की गाड़ियां लेकर के आते हैं, वो कर रहे हैं इन पैचेस को। भाई 2:02 और सिग्नल का कोई नामो निशान नहीं है, बस जहाँ रोड ले जा रहा है वहीं हम जा रहे हैं। और यहाँ पे पत्थर इतने खतरनाक है ना भाई, इन पत्थरों ने जीना आराम कर दिया। गाड़ी में इतने स्लो कर रहा हूँ ना यहाँ से कि पूछो मत। और पीछे कायगर वाले भाई आ रहे हैं, वो तो भाई हवा में उड़ाते आ रहे हैं अपनी गाड़ी को, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है उनकी। मुझे देखना पड़ रहा है नीचे खड्डे फड्डे, अगर मैं ऐसा करने लग गया ना भाई यहीं रह जाऊंगा और कोई हेल्प करने भी नहीं आएगा। अभी सामने से कोई भी गाड़ी आ नहीं रही है, इक्का दुक्का गाड़ी है, ये भी फॉर्च्यूनर और बुलेरो, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ से बीआरओ जाने देगा। और कुछ ही दिनों के बाद, जैसे 2-3 दिनों या 4-5 दिनों के बाद, ये लोकल के लिए भी इस रास्ते को बंद कर देंगे। अभी तो आने दे रहे हैं, बट ये सबके लिए बंद हो जाएगा। जहाँ तक मैंने ये रोड देखा है ना भाई, बहुत ही गंदा रोड है भाई, सीरियसली स्टिफ चढ़ाइयाँ हैं, वहाँ पे बर्फ जमी हुई है पानी के बीच में, तो गाड़ी वहाँ से चढ़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। साउंड देख लो भाई, पूरी गाड़ी हिल चुकी है अंदर से बाहर तक। भाई ये है यहाँ पे व्यू, आप क्या कर सकते हैं भाई यहाँ पे, जब भी आप यहाँ से निकलो ना जिंगयांग कुछ जगह है ये, यहाँ पे आप अपना टेंट वगैरह लगा सकते हो, गाड़ी रोक सकते हो, और जब जो व्यू आएगा ना सामने से, अमन चांद देख ऊपर है, अमन चांद देख ऊपर, क्या जबरदस्त व्यू है भाई। यहाँ पे आओ इंजॉय करो ढलता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज, भाई दोनों ही यहाँ पे प्राइम लोकेशन है। और गाड़ियां खड़ी हुई क्या प्यारी लग रही है, बहुत डिले चल रहे हैं भाई, 236 भाई पीछे देखा आपने, 92 किलोमीटर मनाली रोहतांग पास 48 किलोमीटर शायद भाई, ये ऐसी लोकेशन है ना आपको दिखाना बनती है। तीन बजकर 8 मिनट और मैं बताऊं हम आए कहां से, कौन से पैच से हैं, वो देखो भाई वहां से पैच पूरी गाड़ी चल करके नदी के साथ साथ अभी हमने गाड़ी लगाई यहां पे। अभी पानी कितना किलोमीटर और है, और दिल्ली नंबर गाड़ी भी आ गई हमारी, कितना किलोमीटर बचा भाई ग्रम्पू आने वाला, ग्रम्पू तक फिर कंटिन्यू 256 GB मेमोरी कार्ड था पूरा फुल हो चुका है, सिर्फ बची है 1 घंटे की रिकॉर्डिंग। भाई भी पूरी फॉर्म में बोल रहे रोहतांग जाना है, बट रोहतांग जा नहीं सकते भाई, वहां पे पड़ी है बर्फ, तो इनको स्टार्टिंग से ही मोड़ दिया जाएगा मनाली की तरफ, देखते जैसे भी रहेगा भाई, सारा कुछ बताएंगे आपको। अभी भाई थकावट हो रखी है, थकावट है ना भाई बहुत ज्यादा, आंखें अपने आप ही बंद हो गई है।
गर्म पानी चाहिए अभी भाई नहाने के लिए। 5-6 दिनों से भाई नहाए नहीं है। ठीक है, ऐसे ही चले भाई, पता नहीं चल रहा ठंड में, कुछ पता नहीं चलता कि कितना क्या सिस्टम है। अभी जा करके नहाएंगे अच्छे से भाई, वहीं जाके वशिष्ठ में मजा आएगा। अभी सारा इम्पैक्ट पता किसी पे किस पे आएगा? एसी बेल्ट पे। सारी गंदी एसी बेल्ट होगी अभी। एसी बेल्ट ही तो होगी। हाँ। पत्थर ना लगे, पत्थर से आपका देख लो क्या टूट सकता है। मेरे को तो या को ऑयल फिल्टर चैम्बर 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 ऑयल फिल्टर पे दिक्कत आएगी। हाँ। चलो भाई गड्ढों पे, गड्ढों पे तो ध्यान से चलानी पड़ेगी। आप मेरे पीछे ले लो। हाँ कोई चक्कर नहीं है ना। हाँ चलो आ जाओ भाई। अपना जो लगी होती है ना चैम्बर के पास, क्या बोलते हैं उसको, फिटिंग, ये जहाँ पे मेरी गाड़ी टकराई थी ना वहाँ टूट गया ये, तो अभी इसको यहाँ से खोल दिया। कट-कट कर रहा था, अगर ध्यान नहीं दिया होता तो ये कुछ और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। टाइम रहते इसको निकाल दिया बाहर। साइड में पड़ी बर्फ भाई, लो भाई बर्फ वाले मजे ले लो पूरे पूरे। भाई को बाहर निकाल दो, फील लो भाई इन वादियों का। अभी अपना जो फिल्टर का कवर निकाला है ना बाहर, जो चैम्बर के पास लगा होता है, टाइगर वाले भाई ने बोला डीएल नंबर कि भाई आप ऐसा करो गाड़ी हमारे पीछे रखो। पहले मैंने गाड़ी आगे रखी थी, अभी इन्होंने गाड़ी आगे रखी कि कहीं आपकी गाड़ी का कोई नुकसान ना हो जाए। ऐसे रोड में मिलते हो ना भाई, ऐसी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है किसी से भी भाई। ये रोड आपको अच्छे से अच्छे दोस्त बना के दे देता है। हम इनकी समझ रहे हैं, ये हमारी समझ रहे हैं, क्योंकि इस पैच में सिर्फ हम दोनों की ही गाड़ियां चल रही हैं और कोई भी नहीं है भाई, थर्ड पर्सन। पैच बहुत बड़ा है, हम सुबह 10 बजे के निकले थे, बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया हमने वहाँ पे चंद्रताल के पास, उसके बाद कहीं रुके भी नहीं थे। और अपनी हालत भाई कुछ ऐसी है, आज तो खाना भी नहीं खाया, सवेरे वो चाय पी थी और थोड़ी सी नमकीन ली थी और उसके बाद खाना नहीं खाया भाई। कंटिन्यू ड्राइव भाई। अब खाना खाएंगे मनाली में रुक के, अच्छा सा खाना भाई, खुद नहीं बनाएंगे आज, बाहर का खाएंगे, कुछ फन करेंगे और वशिष्ठ में जाके नहाएंगे पहले। अब भी जस्ट यहाँ से ना पत्थर आया बहुत तेज, और यहाँ पे रोड की हालत देखो भाई कैसी है। बस यहाँ से जितनी जल्दी हो जाए भाई, इतनी जल्दी निकल जाओ यहाँ से। रोड देखो भाई, भाई ये पैच सबसे खतरनाक है। बस भाई निकल गए। और एक चीज ध्यान रखना भाई, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सिग्नल नहीं मिलेगा लोसर से कोकसर तक, जहाँ पे अभी हमारी एंट्री होगी ना वहाँ तक कोई सिग्नल नहीं है। तो ये चीज भूल जाओ कि आप किसी को फोन कर पाओगे। हाँ रोड सीधे हैं, आपको किसी जीपीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इन केस अगर आप इमरजेंसी आपको कॉल करनी पड़ जाए ना भाई, यहाँ से सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। सोच क्या हो कि यहाँ पे आप कनेक्शन कट आउट है आपका तकरीबन 4-5 घंटों के लिए। मैं तो एक ही प्रे कर रहा हूँ कि भगवान बस ठीक ठीक निकाल दे यहाँ से, पत्थर वगैरह ना हिट कर जाए यार। ऐसा लग रहा है जैसे भाई मूवी देख रहे हो। 3:52 और अब पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन में। क्या व्यू है यार। भाई गाड़ी ने बहुत साथ दिया है सीरियसली। अभी अटल टनल है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर। मनाली चलोगे ना? चलो आ जाओ फिर। चलो भाई साहब ये भी साथ में चलेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। सारा एक से भले दो, रोहतांग से गाड़ियां आ तो रही हैं, बट भाई रोहतांग में अच्छी खासी बर्फ देखने को मिल सकती है, इसलिए रोहतांग जाने का कोई रिस्क ना लें। यहां से देखो भाई नीचे जाने का भी रास्ता है। और भाई साहब ये लो मजे, इतना अच्छा रोड देख के ना मेरा दिल क्या बताऊं क्या बोल रहा है। मजा आ रहा है भाई। देखो खराब रोड और अच्छे रोड एकदम इमोशन अलग अलग रहता है, और यहाँ पे आकर के तो भाई मजा अलग ही आ रहा है। कोई खटपट का साउंड नहीं है, कहीं से कोई इरिटेशन वाला साउंड नहीं आ रहा, एकदम साइलेंट भाई, बस मजे से गाड़ी चलती जाए और हम इंजॉय करते जाएं। यहाँ आ गई थी भाई चेक पोस्ट, जहाँ पे हमने अपने बताया कि क्या नाम है और गाड़ी की एंट्री हुई, गाड़ी का नंबर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। इन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, हमने बोला कि लोसर से आए, बस इन्होंने गाड़ी की शक्ल देख के पहचान लिया भाई, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी हैं। आगे तो बहुत जल्दी लगा रखी है उस पर हमने। हाँ 1 घंटा 7 मिनट है ना, बस टाइम देखते हैं। बस 40 किलोमीटर भाई, क्या ही पता लगना 40 किलोमीटर का भाई। ऐसा रोड रहा ना फिर तो मजा आने वाला है, अगर ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। फैमिली को दिखाते हैं भाई आज हमने क्या क्या किया इन दिनों में। अब ये एंड है भाई, सिसु 11 किलोमीटर है सिसु बस। अरे भाई साहब सिसु 11 किलोमीटर। हाँ मेरा सिसु जाने का भी तो ड्रीम। ये है
अटल टनल के नजारे। भाई अब जाके थोड़ी सी ना आंखों को सुकून मिला है। भाई ये देखो सोलांग वैली के नजारे। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है भाई, जब स्नो पड़ती है ना, बर्फ पड़ती है, फिर देखना है यहाँ पे क्या मस्त है। वो भी हमने अपने ब्लॉग में डाल रखा है, जिस टाइम हमारे पास एक्सयूवी थी ना 500, उस टाइम लेकर के आया था मैं यहाँ पे, और क्या नजारा था भाई, जबरदस्त। अभी तो भाई स्नो है नहीं तो मजा है नहीं कुछ भी, बस इंतजार है। तो बस 20 दिनों का, 20 या 21 दिनों के बाद यहाँ के आबो हवा ही चेंज हो जाएगी भाई। अंजनी महादेव, हाँ अंजनी महादेव के लिए यहाँ से लेके गए थे, तुझे पता नहीं है भाई, यहाँ से गए थे, बर्फ ही बर्फ थी। अगर आपने वो वीडियो देखनी तो भाई देख सकते हो हमारे YouTube चैनल पे, पूरा फुल पावर फन किया था भाई उस टाइम पे हमने, अभी भी फुल पावर फन करके आ रहे हैं। और बस थोड़ा सा नुकसान हो गया है, प्रोटेक्शन जो होती है ना चैम्बर की, वो टूट चुकी है, देखो साउंड, और एक मेरा एक्सल जा चुका है, मोटा ही खर्चा ब्रो। साइड में देखो पेड़ कितने प्यारे व्यू दे रहे हैं, मेरा मन तो कर रहा है मैं यही पे रुक जाते हैं। चलो ठीक है भाई, इसे लेते हैं हम अलविदा। बहुत ज्यादा सपोर्ट किया भाई ने, ऑन था अभी तक नहीं, अभी किया भी ऑन हमने भाई, हिम्मत बंद गई भाई, भाई के साथ आए, हिम्मत बंद गई हमारी, यानी कि मजा आ गया भाई सीरियसली, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ने भाई मजा दिया है अभी तक, मजेदार भी दिया है हां, और हिम्मत आप दोनों ने दी है। चलो भाई ठीक है, मिलेंगे आपसे फिर से, ठीक है मैं आपको मैसेज कर अभी। हां भाई ओके ओके पाजी, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट टाइम, ओके पक्का भाई है, टच में रहेंगे। देखो भाई साहब क्या चुका है मनाली में, हॉट बैलून, यहाँ पे आके आप इनके मजे ले सकते हो भाई, कितनी ज्यादा गैस फूकता होगा हमने, ये देखी वो भाई, गैस नहीं गर्म हवा होती है ना, हाँ वही तो गैस तो लगती होगी ना इस पे, और जाएगा कितनी दूर तक ये पता नहीं भाई, भाई साहब यहाँ पे स्नान वगैरह करने के बाद अब निकल रहे हैं बाहर, क्या जबरदस्त था भाई। फिलहाल 6:30 और अभी हमें विशिष्ट मनाली में वशिष्ठ महाराज के पास। 7:47 वशिष्ठ से हम अभी निकल रहे हैं, यहाँ पे सैंडविच और हमने क्या खाया, मोमोज, डिनर करेंगे बाहर ही, आज बाहर का खाना खा रहे हैं भाई, क्योंकि अब खुद बनाने का टाइम है नहीं, सुबह से लेके शाम तक कुछ भी नहीं खाया ना पिया, सुबह चाय पी थी और नमकीन खाई थी थोड़ी सी बस, और कुछ भी नहीं भाई। कंटिन्यू सफर रहेगा हमारा चंडीगढ़ का, ये देखो भाई एक और स्टार खड़ी है यहाँ पे, हिमाचल में बहुत सी स्टार आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये लो भाई मनाली के नज़ारे, भाई अपनी गाड़ी में आया 2010 रुपए का तेल, वो भी भाई गाड़ी चली है भाई लोसर से लेकर के यहाँ तक, इसने आधा टैंक खाया भाई, सिर्फ आधा टैंक। ठीक है भाई जी, लोकसर होकर के फिर उसके बाद मनाली, सारा ट्रिप कंप्लीट करने के बाद भाई आधा टैंक, समझ रहे हो, ऑफ रोडिंग कितनी की आज हमने, वो जो 107 रुपए का तेल डलवाया था ना पर लीटर वाला, वो भाई सबसे बेस्ट लगा मुझे। अब जो रिलायंस का फ्यूल है ना भाई, इनके पास एक ही है, कोई हाई क्वालिटी का नहीं है ना कोई लो क्वालिटी का, एक ही पेट्रोल होता है, तो इसलिए भाई मैंने बोला इसको फुल कर दो भाई, जहाँ तक गर्दन से बाहर ना जाए, तो वही सीन किया, टैंकी कर ली फुल, अब सीधा घर पे ब्रेक लगेगी भाई। अमन को छोड़ दिया मैंने घर पे भाई, वीडियो बनाना मैं भूल गया, अभी मैं कौन सी लाइट में चल रहा हूँ ये बताना भाई, और ये कौन सी है ये हाई बीम है, और ये कौन सी है ये लो बीम है। पुलिस वाले भाई पता नहीं क्या चंडीगढ़ वाले अंधे हो गए, मुझे बोलते कि भाई तूने हाई बीम कर रखी थी, अब तेरा चलान कटेगा, 500 रुपए का चलान काट लिया भाई, यहाँ पे पड़ी है पर्ची, को सुकून मिल गया, मुझे बोलते प्रूफ दिखा दे अगर तूने लो बीम की है, अब DDPI की भाई इसकी फुटेज मुझे निकालने आती नहीं, और निकलती कैसे पता नहीं है, अभी नया नया लगाया है ना भाई, बस कर दिया ना चलान 500 रुपए का भाई, बिना टिकट के खड़े खड़े। 1:50 हो रखे हैं भाई, ये है भाई चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस दोनों ऐसी हैं भाई। अभी पहुंच चुके हैं घर पे, और हमारी गाड़ी चली है इस ट्रिप के दौरान 1100 किलोमीटर, मतलब 1100.8, ये पूरी ट्रिप के दौरान हमारी गाड़ी चली है, आपकी दुआ से पूरी सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख लो भाई घर वाले गेट ही नहीं खोल रहे, बाइक यहाँ पे लगी है, मैंने गाड़ी अंदर लगा ली थी, फोन करते हैं पहले फिर आपको गाड़ी की हालत दिखाते हैं बाहर से कैसा था। थकान जबरदस्त है पर मजा बहुत आएगा सोने में, अब जो ट्रैवल का नशा होता है ना उसके बाद जो नींद आती है भाई क्या जबरदस्त नींद आती है। बेफिजूल का 500 रुपए की पर्ची जो हमारी काटी गई है, GoPro की तो भाई बैटरी ही डेड थी, अच्छे से भाई एंड भी नहीं हो पाया,
आज है भाई डे नेक्स्ट, अभी जा रहे हैं ऑफिस फिर से, वही जीसीपीटी लाइफ। ये देखो भाई वही गलियां फिर से, और अपनी ब्रियो लेकर के निकला हूं मैं आज भाई। ये स्टार में हो चुका है काफी ज्यादा नुकसान, अभी उसका भाई टायर भी पंचर है फ्रंट वाले, तो मैं उसको निकाला नहीं, वो घर पे ही खड़ी है, उसको कल देखता हूं मैं, कल निकालूंगा। उसका सामान भी नहीं उतारा, इसलिए गाड़ी को घर के अंदर खड़ी किया, और मैंने ब्रियो को आज बाहर निकाला है। ब्रियो को चलाने का भाई मजा अलग ही आ रहा है। बट बाकी भाई ओवरऑल ट्रिप की बात करें तो भाई बहुत मजा आया यार, इतना अच्छा ट्रिप मैंने सोचा भी नहीं था। और जो मैंने पैच सोचे हुए थे कवर करने के, मैंने वो पूरे पैचेस जो है कवर करके आया हूँ। देखो 10:07 है, 9:30 की टाइमिंग है, फिर से लेट। अगर आपको सीरियस बोल रहा हूँ, अगर आपको पूरी सीरीज हमारी अच्छी लगी है तो आप भाई कमेंट करो, और जैसा प्यार अभी दे रहे भाई उम्मीद है कि आगे भी ऐसा प्यार मिलता रहेगा भाई। शॉर्ट बात ये है कि गाड़ी आपके पास कोई भी हो, बस आपके अंदर जोश होना चाहिए भाई, आप उस चीज को वहां तक पहुंचा सकते हो। छोटे मोटे नुकसान होते रहते हैं, वो नुकसान सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुए, क्योंकि मैंने आपने देखा ही होगा भाई वीडियो में, बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो मेरी गलती थी। अदरवाइज भाई रोड बहुत अच्छे हैं। लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के जाते हैं भाई, हम अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी लेकर के गए और उसने ये सारा कुछ सक्सेस होकर के दिखाया भाई। अगर आपको कोई भी कमी लगी हो हमारे ट्रैवल से रिलेटेड, या वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो आप हमें बताएं, हम उनको सेट करेंगे। आगे आने वाले ब्लॉग में आपको वो चीजें सुधरी हुई मिलेंगी, और ऐसे प्यार अपना बनाए रखें भाई। इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रिप में, दिखाते हैं आपको कि क्या होता है क्या नहीं होता है ए स्टार के साथ। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद।